नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी, आप देख रहे हैं विभिन्न इंडिया न्यूज। आती जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के लौरिया क्षेत्र से आ रही है। नमस्कार, मैं मुजीबुल्ला और आप देख रहे हैं विभिन्न इंडिया न्यूज। लौरिया नगर पंचायत का चुनावी दंगल शुरू हो चुका है, चुनावी संग्राम शुरू हो चुका है, उसका आरंभ हो चुका है। और सभी बड़े और छोटे योद्धा, मैं ये कहूँ कि सभी बड़े बड़े योद्धा अपना अपना भाग आजमा रहे हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, अपने दमखम पे ये इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में लौरिया नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 के एक ऐसे प्रत्याशी, लौरिया वार्ड पार्षद के वार्ड नंबर 2 से एक ऐसे प्रत्याशी से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ, जिनके अंदर एक ललसा है, एक ललच है, एक मन में आशा है, एक उम्मीद है कि लोगों का आशीर्वाद, लोगों की दुआएं, लोगों का प्यार, लोगों का वोट उनको मिले और वो विजयी हों। विजयी होने के बाद जनता की जो उम्मीदें हैं, जो उनकी अपेक्षाएं हैं, जो उनके एक्सपेक्टेशन है, उस पर ये पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। इनसे जानते हैं, चलिए इनसे सुनते हैं इनकी जुबानी। जी सर, आपको सुनना। नंद किशोर जी, आप तो वार्ड नंबर 2 से वार्ड नंबर 2 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपके आपका चुनाव चिन्ह क्या है, चुनावी सिंबल क्या है? कलम दवात है 1 नंबर पे। अच्छा, कलम दवात है 1 नंबर से जी। आप किन मुद्दों को लेकर के, किन एजेंडों को लेकर के आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? हम इलेक्शन लड़ रहे हैं इसलिए कि मतलब लोग मुझे वोट दे, मुझे जिताए और मैं लोगों का सेवा करूँ, जो भी मेरा समस्या है लोगों का सुनूं और उनका पूरा करूं। जी, आपके मन में है कि लोगों का सेवा करें, बहुत अच्छी बात है। तो किस तरह का मतलब कि आप सेवा भावना से उनका काम करेंगे? हम यही सोच रहे हैं कि मतलब लोग हमके वोट दें और मैं उन लोगों का सेवा करूं, जो भी समस्याएं हैं उन लोगों को सुनूं और उनका पूरा करूं, जहाँ तक हमसे हो सके उतना करूं। आप पहली बार और पहला नगर पंचायत का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो लोगों को आप मेरे चैनल के माध्यम से, मेरे चैनल पे आए हैं, आपका धन्यवाद। मेरे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या लोगों से अपील करेंगे आप? लोगों से हम यही कहेंगे कि आप हमको वोट दें ताकि मैं आपका सेवा कर सकूं और जो भी हमसे गलती हुई है अगर कुछ पहले उसको आप माफ करें, ताकि हमको वोट दे, हम अब चुनाव जीते और आपका सेवा कर सके, आपका जो भी कुछ काम है उन्हें करूँ। अच्छा, आपका कहना यह है कि अगर पहले कोई किसी मैंने हृदयघात हुआ हो, कुछ दुख हुआ हो, तो वो क्षमा करें और आपको अपना सेवक समझ करके वोट दें। जी, यही कहना चाह रहे हैं। मैं मुजीबुल्ला, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ, वेब इंडिया न्यूज़, लौरिया।